हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जनरल अवेयरनेस से संबंधित कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट ग्रुप डी टेक्नीशियन जो भी एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक बात और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल है, हरियाली योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? हरियाली योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर है जल प्रबंधन से। अगला सवाल है, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य की सरकार ने रूपाश्री योजना का शुरुआत किया है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र खोला गया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र खोला गया है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे युवा कप्तान कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे युवा कप्तान कौन है? तो आंसर हो जाएगा राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कीट संग्रहालय खोला गया है? महावीवीआई क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कीट संग्रहालय खोला गया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात, और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू। अगला सवाल है, भारत रूस जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत रूस जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महावीवीआई क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर में होम्योपैथिक शोध संस्थान का शिलान्यास किया गया? हाल ही में भारत के किस राज्य में होम्योपैथिक शोध यानी कि किस शहर में होम्योपैथिक शोध संस्थान का शिलान्यास किया गया? तो आंसर हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर से लड़ने के लिए सूक्ष्म अणुओं का खोज करने का दावा किया है? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर से लड़ने के लिए सूक्ष्म अणुओं का खोज करने का दावा किया है? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी? लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी? तो आंसर हो जाएगा अंबनी चतुर्वेदी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी महावीवीआई है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खेल प्राधिकरण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खेल प्राधिकरण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा नीलम कपूर को। अगला सवाल है, भारतीय मूल के किस बच्चे ने मेनसान आईक्यू टेस्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है? भारतीय मूल के किस बच्चे ने मेनसा आईक्यू टेस्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा मेहुल गर्ग। अगला सवाल है, किस देश में विश्व का सबसे ऊँचा एयर प्योरीफायर बनाया गया है? महावीवीआई क्वेश्चन, किस देश में विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम खेल रेडियो चैनल का नाम क्या दिया गया है? भारत के प्रथम खेल रेडियो चैनल का क्या नाम दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स फ्लैशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के गोताखोर ने विश्व की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग की खोज की है? किस देश के गोताखोर ने विश्व की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा मैक्सिको की। और अगला सवाल है, विनयशील ओबेरॉय समिति का गठन किस लिए किया गया है? विनयशील ओबेरॉय समिति का गठन किस लिए किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए। महावीवीआई क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व की सबसे लंबी जिप लाइन की शुरुआत की गई है? किस देश में विश्व की सबसे लंबी जिप लाइन की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों एक जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें और एक दो बार देख लें तो आपको याद हो जाएगा, और आपको एग्ज़ाम के लिए यानी कि जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड
का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो वीडियो मैं अपडेट करूँ वो आसानी से देख सकें। थैंक यू, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।